आज मैं आपके लिए तहरी की एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसे बनाना बहुत आसान है। इसमें ढेर सारी सब्जियाँ डालकर इसे बच्चों को आसानी से खिला सकती हैं। सब्जियों की वजह से ये हेल्दी तो होता ही है और बच्चे भी इसे शौक से खाते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। बनाने के लिए मैं ली हूँ एक मोटे टुकड़ों में कटे हुए गाजर, दो मीडियम साइज़ के आलू मोटे टुकड़ों में कटे हुए, एक कटोरी मटर, आधे मटर को मैं दरदरा पीस लूँगी और आधे मटर को मैं खड़ा ही रहने दूँगी और कुछ पनीर के टुकड़े। इसके बाद दो मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटे और दो मीडियम साइज़ के टमाटर टुकड़ों में कटे हुए। सब्जियाँ आप अपनी पसंद से ले सकती हैं। पहले गैस ऑन करके कुकर को गर्म करेंगे, फिर गर्म कुकर में तेल डालेंगे। तेल के गर्म होने पर गर्म तेल में जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे। जीरा के चटकने पर इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को डालकर हम अच्छी तरह से चलाएंगे। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। गैस को तेजी रखेंगे, तेज आंच पर इसे पकाएंगे। देखिए प्याज हमारा भुनने लगा है। जब हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल दूंगी। इसमें लहसुन में हरा वाला यूज़ की, आप कोई भी लहसुन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं धनिया पाउडर डाली हूँ, एक से दो चम्मच डालिए। उसके बाद में हल्दी पाउडर डाली हूँ एक चम्मच। इन मसालों को आप अच्छी तरह चलाइए और प्याज के साथ भूनिए। जब हमारा मसाला अच्छी तरह भून जाए और तेल छोड़ने लगे, देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह भून गया है और तेल छोड़ रहा है। फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, फिर इसे अच्छी तरह मैं चलाऊंगी। टमाटर के भून जाने पर इसमें मैं पिसा हुआ जो ददरा पीसी थी मटर डाल दूंगी। फिर मैं इसे अच्छी तरह चलाऊंगी। अच्छी तरह चलाने के बाद मैं इसमें खड़ा मटर डाल दूंगी। फिर इसमें कटे हुए आलू डाल दूंगी। फिर कटे हुए टुकड़ों में गाजर डाल दूंगी। उसके बाद पनीर डाल दूंगी। इन सबको डालने के बाद एक बार हमें अच्छी तरह से चला लेना है। चारों तरफ से चलाते हुए इसे मिक्स करना है। स्लो मीडियम आंच पर इसे अच्छी तरह चलाते रहना है और पकाना है। दो से तीन मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारी सब्जियां थोड़ी पक गई है। फिर हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से चलाएंगे। उसके बाद हम इसमें धुला हुआ चावल डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी की मात्रा उतना रखेंगे, अगर एक गिलास चावल है तो दो से तीन गिलास पानी। उसके बाद इसे अच्छी तरह हम चलाएंगे। अच्छी तरह से चलाने के बाद गैस का फ्लेम तेज कर देना है और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। उसके बाद तीन सीटी आने तक वेट करेंगे। तीन सीटी लगने पर गैस को ऑफ कर दें, कुकर को ठंडा होने दें और गर्मा गर्म देसी घी के साथ इसे सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और शेयर करें।
और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।